बिहार के सीतामढ़ी शहर के पुनौरा इलाके में मंगलवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां एक डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। पूरा घटनाक्रम कंपनी के सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसका फुटेज अब सामने आया है। नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि फुटेज के आधार पर छानबीन और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेने की बात उन्होंने कही है। पुलिस के मुताबिक हथियार से लैस 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। डिलीवरी कुरियर कंपनी है, यहाँ जो कार्यरत एम्प्लॉई है उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को करीब 8 बजे 4 अज्ञात अपराध कर्मी घुस करके और कुछ काउंटर में पैसा था उसको यहाँ से छीन करके ले गए। घटना सत्यापन किया गया, सीसीटीवी से सत्यापन हुआ। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी कंपनी के स्टाफ ऑफिस में बैठे थे, इसी दौरान 4 बदमाश घुसे और हथियार के बल पर लूटपाट मचानी शुरू कर दी। हथियार का भय दिखाकर सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। डिलीवरी कंपनी के कर्मियों ने बताया कि मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले में जब ऑफिस खुला तभी सभी कर्मी सामान मिला रहे थे। उसी दौरान बाइक पर सवार 4 अपराधी ऑफिस में घुस गए, कनपटी पर पिस्टल लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना में 3 लाख रुपए लूटने के बाद अपराधियों ने LCD सहित दूसरे सामानों को भी नुकसान पहुंचाया। वे ऑफिस में मौजूद कई कर्मियों के साथ मारपीट भी की।